भाई लोग ये क्वेश्चन भी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं अब क्वेश्चन कहता है फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन विद एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू वेयर म्यू इज दीक्वेंसी एंड एच इज द्लैंक्स कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ एच आर दैट ऑफ हमें यह बताना है कि भाई जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच का जो डायमेंशन है इन ऑप्शन में किसके इक्वल है इन सभी ऑप्शन में किसके इक्वल है प्लैंक्स का dimension. तो भाई पहले तो आपको प्लैंक्स का डायमेंशन पता होना चाहिए एनर्जी टू एच म्यू यहां से हम एच इज इक्वल टू ई बाई म्यू कर सकते हैं एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो वर्क का डायमेंशन होता है वर्क का डायमेंशन क्या होता है भाई फोर्स एम एल टी माइनस टू ये तो फोर्स का डायमेंशन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क तो यहां पर एक एल डायमेंशन तो हो गया बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी क्या होता है अपॉन अपॉन टाइम 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 का क्या डायमेंशन होता है One upon time. इस time को उठा ऊपर ले जाएंगे तो हमें जो डायमेंशन मिलेगा एच का वो क्या मिलने वाला है एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन ठीक है भाई तो ये है एच का डायमेंशन ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन अब हम इसमें क्या करेंगे एक एक करके सभी के डायमेंशन चेक करेंगे तो सबसे पहले चेक करते हैं, यह है, यह है क्या भाई इंपल्स या बोलो, कोई दिक्कत नहीं है लीनियर इंपल्स क्या होता है बेसिकली फोर्स इनटू टाइम होता है इंपल्स क्या होता है फोर्स इनटू टाइम फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू टाइम अब मास एक्सिलरेशन क्या होता है ये ये से तो हमें मिला का जो dimension होगा वो लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा इंपल्स का जो डायमेंशन होगा लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा तो भाई डायमेंशन तो हम इसका निकाल सकते हैं इंपल्स मान लो आई लेते ले हैं आई का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू मोमेंटम का डायमेंशन लीनियर मोमेंटम का वो किसके इक्वल होने वाला है मास इंटू वेलोसिटी मास वेलोसिटी हो गया इंटूल तो मिला एम एल टी माइनस वन क्या ये डायमेंशन के बराबर है नहीं बिल्कुल नहीं है जी बिल्कुल नहीं है तो ए और सी तो हमारे ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में ए और सी जो है हमारे करेक्ट ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में तो क्योंकि देखो सी हमारा लीनियर मोमेंटम था मैंने बता दिया लीनियर मोमेंटम और लीनियर इम्पल्स दोनों सेम चीज है तो ए और सी हमने कर लिया बी की बात कर लेते हैं भाई बी हमारा होता है एंगुलर इम्पल्स क्या है भाई ये एंगुलर इंपल्स जैसे इंपल्स हमारा था फोर्स इनटू टाइम एंगुलर के केस में यानी कि रोटेशनल मोशन के केस में रोटेशनल मोशन के केस में फोर्स बन जाता है हमारा टॉर्क टी टाइम ही रहने वाला है और ये हमारा आई डब्ल्यू लेते ले हैं ले एंगुलर इंपल्स ठीक है भाई एंगुलर इंपल्स क्या हो गया टाव इंटू टी टाव ये टॉर्क है हमारा टॉर्क इंटू टाइम टॉर्क हमारा क्या होता है भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होती है इंटू टाइम अब यहां से हम डायमेंशन दे, दे, निकाल सकते हैं फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो एल हो गया और ये हमें मिला टी भाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है ये मिलने वाला है M L square T minus 1. है क्लियर तो ये डायमेंशन हमारा एच के बराबर है ये डायमेंशन हमारा एच के बराबर है एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है तो बी ऑप्शन हमारा सही है बी ऑप्शन सही है वेट भाई ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं अभी हसो मत अभी डी पर भी देखेंगे अब डी ऑप्शन चेक करेंगे भाई डी ऑप्शन क्या है डी है हमारा एंगुलर मोमेंटम भाई एंगुलर मोमेंटम को अगर हम देखो कई तरीके से कर सकते हैं देखो मान लो जो लीनियर मोमेंटम होता है पीज एम वी अगर एंगुलर केस में हमें मोमेंटम लिखना है तो पी क्या हो गया हमारा लीनियर मोमेंटम एंगुलर के केस में एल हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम एम जो है मास है तो एंगुलर के केस में हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वी हमारी वेलोसिटी तो यहां पर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ठीक है भाई आई जो होता है एम इंटू आर का स्क्वायर होता है इंटू ओमेगा ठीक है भाई तो आपको एम मिल गया आर स्क्वायर आर जो है रेडियस होती है तो एल स्क्वायर ओमेगा क्या होता है टू पाई अपॉन टी टू पाई अपॉन टी ओमेगा क्या होता है टू पाई अपॉन पॉइंटी तो टू पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा तो वन पॉइंट टी की पावर माइनस वन लिख सकते हैं तो हमें क्या मिल गया एम एल डायमेंशन है किसके बराबर है मेरे भाई ये एच के बराबर है ये ऑप्शन भी हमारा सही है इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा सही है एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर होता है ठीक है भाई इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे डी को डी ऑप्शन को हम इस तरह से भी कर सकते थे ये ध्यान रखना भाई एंगुलर मोमेंटम क्या होता है r, और के बीच में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एंगुलर मोमेंटम भाई लीनियर मोमेंटम तुम्हें पता ही है मास इंटू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस वन इंटू ये डिस्टेंस हो गई एल तो एम एल स्क्वायर की पावर माइनस वन हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे ठीक है अभी तो आप थोड़े थोड़े फॉर्मूले याद रखो और क्वेश्चन होते चले जाएंगे तो हमारा बी और डी जो है सही ऑप्शन है बी और डी हमारा सही ऑप्शन है इन दोनों का जो डायमेंशन है एंगुलर इंपल्स और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर होगा